राजस्थान में भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के विधायक और पार्टी हाईकमान एक तरफ काफ़ी खुश हैं तो वहीं दूसरी तरफ सीएम फेस को लेकर गहमा गहमी हो रही है। बिना सीएम फेस के कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी किसे सीएम बनाएगी, ये जानने के लिए सभी बेताब हैं। नमस्कार, मैं स्वाति साहू और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में बहुमत मिलने के साथ ही बीजेपी में सीएम पद की दौड़ शुरू हो गई है। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। इस बीच कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिनको राजस्थान में सीएम फेस माना जा रहा है। इनमें सबसे पहला नाम तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। उनके साथ ही अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, बालकनाथ, सीपी जोशी, राजवर्धन सिंह राठौर, ओम बिरला और ओम माथुर का नाम शामिल है। जहां एक तरफ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जो कि 5 बार सांसद, 5 बार विधायक और 2 बार की सीएम रह चुकी हैं, वह हैं, तो दूसरी तरफ उनका ही विकल्प दिया कुमारी को माना जा रहा है। हालांकि वह बीजेपी का युवा चेहरा तो हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनको वसुंधरा जितना राजनीतिक अनुभव नहीं है। राजनीतिक गलियारों में अश्विनी वैष्णव भी राजस्थान में सीएम फेस माने जा रहे हैं। अब अगला नाम है अर्जुन राम मेघवाल का। उनको मोदी का करीबी भी माना जाता है और पूर्व आईएएस भी रह चुके हैं। उनकी प्रशासनिक समझ भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो यह भी राजस्थान में एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को भी सीएम फेस माना जा रहा है। हालांकि संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में लगे आरोपों की वजह से उनकी दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। इस लिस्ट में अगला नाम बालकनाथ का है। उनको राजस्थान का योगी आदित्यनाथ भी कहा जाता है। अगर यूपी की तर्ज पर बीजेपी चले तो ये भी एक अच्छे विकल्प हैं। सीपी जोशी भी इस रेस में माने जा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले दिए बयान में उन्होंने साफ किया था कि वह इस रेस में शामिल नहीं हैं। राजवर्धन सिंह राठौर का नाम भी रेस में दिखाई दे रहा है। अगले हैं ओम बिरला और ओम माथुर। जिस तरह अचानक से इन दोनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो वह भी इन दोनों को सीएम बनाए जाने के संकेत दे रहा है। अब देखना ये होगा कि इनमें से कोई सीएम बनता है या बीजेपी चर्चा से हटकर ही कोई नया चेहरा सामने लेकर आती है। दिल्ली में इस बात को लेकर मंथन जारी है। राजस्थान की राजनीति को और करीब से जानने के लिए बने रहे मेरे साथ द फैक्ट इंडिया पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।